हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज हम आप लोगों को आइसबर्ग ऑर्डर के बारे में सिखाने वाले हैं। धन ऐप के थ्रू आप लोग आइसबर्ग ऑर्डर का यूज कैसे करेंगे, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सीखने से पहले, स्क्रीन पे जाने से पहले हम ये समझ जाते हैं आइसबर्ग होता क्या है। तो देखिए, अगर आप 15,000-20,000 क्वांटिटी के साथ अपना ऑर्डर मार्केट पे प्लेस कराते हैं तो आपका ऑर्डर मार्केट पे प्लेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां उस टाइप के प्लेयर नहीं होते, उस टाइप के ट्रेडर नहीं होते। जैसे कि आप 15,000 क्वांटिटी के साथ अपना ऑर्डर बाय कर रहे हैं तो आपका ऑर्डर कैसे प्लेस होगा? जब 15,000 उधर सेलर होगा तब आपका ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होगा, है ना। लेकिन अगर आप आइसबर्ग फीचर का यूज करते हैं तो इसपे क्या होता है, आपका जो क्वांटिटी है वो डिवाइड हो जाता है, कई पार्ट पे डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आप 15,000 क्वांटिटी के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेड करना चाह रहे हैं, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आइसबर्ग के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। उसके बाद वहां नंबर ऑफ लेग का ऑप्शन आ जाएगा, आपके हिसाब से आप जितने पार्ट पे अपने ऑर्डर को प्लेस कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। जैसे कि आप इधर 15 लेग ऐड कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो ये 15,000 क्वांटिटी है 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपका ऑर्डर जो है 1,000 क्वांटिटी के साथ मार्केट पे प्लेस होगा। तो ये सारा कुछ कैसे होगा, चलिए मैं अपने स्क्रीन पे ले जाता हूँ और आप लोगों को सिखाता हूँ। यहां से स्क्रीन से आप लोग इजिली समझ जाएंगे, लाइव मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे मिलते हैं। तो गाइस, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब हम समझते हैं कि आइसबर्ग ऑर्डर को कैसे प्लेस किया जाता है मार्केट पे। तो जैसे कि मैंने आपको बता चुका है, आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है कि आप जो है अपने बड़े क्वांटिटी को कई पार्ट पे डिवाइड करके आप मार्केट पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। तो लेट सपोज हम रैंडम कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्टॉक है, ओके। इसी से हम एक स्टॉक ले लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, और इसको हम बाय करना चाहते हैं, तो ये हम बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर दिए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको कहीं पर भी जो है आइसबर्ग का ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ क्वांटिटी इंक्रीज करूँगा, यहाँ एक क्वांटिटी है, मैं 10,000 कर दिया। अब यहां देखिए, स्लाइस एज अ आइसबर्ग, है ना, यानी कि आप आइसबर्ग के ऑप्शंस को बड़े क्वांटिटी पे यूज कर सकते हैं, छोटे क्वांटिटी पे आपको जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप 1,000-2,000 क्वांटिटी पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं अपना मार्केट पे, तो वो उतना इजीली है, उतना कॉमन है, उतना क्वांटिटी के साथ हर कोई प्लेयर ट्रेड करता है। लेकिन आप एकदम से 10,000-20,000-50,000 क्वांटिटी के साथ अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपका ऑर्डर पेंडिंग पे हो, इसलिए आपके पास आइसबर्ग का ऑप्शन है। तो इसी को हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं नंबर ऑफ लेग्स, ओके। आप मल्टीपल लेग्स पे अपना ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको पाँच कर दिया, तो अब आपका 10,000 क्वांटिटी जो है 2,000 क्वांटिटी पे डिवाइड हो करके आपका ऑर्डर मार्केट पे प्लेस हो जाएगा। अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो अब आपका ये 10,000 क्वांटिटी जो है 10 भाग पे डिवाइड हो जाएगा और आपका ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस हो जाएगा। तो अब आसान होगा आपका ऑर्डर मार्केट पे प्लेस होने पे। लेकिन वही को अगर आप एकदम 10,000 क्वांटिटी के साथ जाएंगे तो आपका ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो है 10,000-20,000 के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है इजीली मार्केट पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बड़ा क्वांटिटी यूज़ करते हैं तो आप आइसबर्ग के ऑप्शंस को ज़रूर यूज़ करें, तभी आपका ऑर्डर मार्केट पे प्लेस हो पाएगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, और मैं इसी टाइप के वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो अगर आप लोग इसी टाइप के वीडियोस देखते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग धन ऐप से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, लिंक क्लिक कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए और यहाँ से अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करिए, ओके। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, नए वीडियो पर मिलते हैं जल्द ही।